अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, आज फिर मैं आपके साथ लेके आई एक हसीन सा मेकअप लुक। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लेंजेज लगा दिए थे, इनका शेड है ग्रे। उसके बाद मैं यहाँ पे मिस रोज़ का कंटूरिंग पैलेट में से ब्राउन शीट लेके उससे मैं अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी। आप ब्राउन शीट किसी भी आई शेडो पैलेट में से भी ले सकते हो, या अपने आईब्रोज के कलर के अकॉर्डिंग भी कोई शेड लगा सकते हो। मैं यहाँ पे शेड बिल्कुल लाइट लाइट सा लेके अपने आईब्रोज को फिल कर लिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ का फाउंडेशन। उसकी हेल्प से मैंने अपने आईब्रोज को नीट कर लिया था, बाद में ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे अच्छे से सेट कर लिया था। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का हाईलाइटर। ये मेरा फेवरेट हाईलाइटर है। मैं अपनी वीडियोज़ में ज़्यादातर यही हाईलाइटर यूज़ करती हूँ। आप अपना फेवरेट कोई भी यूज़ कर सकते हो। इससे मैंने अपनी ब्रो बोन को और इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लिया था। और अब मैं यहाँ पे मिस रोज़ का ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा सा मेरे हाईलाइटर से थोड़ा सा डार्क है, इसकी टोन थोड़ी ग्रे में आती है, ठीक है। मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको अपनी आईलिड पे लगा रही थी, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से इसको पूरा अपनी आईलिड पे लगा लिया। ये जो मेटेलिक शेड होते हैं ना, ये ज़्यादा फिंगर्स की हेल्प से ना बहुत बहुत अच्छे लग जाते हैं। आप भी इसको अपने फिंगर की हेल्प से लगाया करो, काफ़ी अच्छे और उठ के आते हैं वाले शेड, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से लगा लिया था। और अब मैं ये एक मेरे पास ये मेटेलिक आई शेडो पैलेट है, ठीक है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, काफ़ी पुरानी है। उसमें से मैं ये वाला शेड लेके फ्लफी से ब्रश की हेल्प से आउटर कॉर्नर की तरफ पहले डैप डैप करके इसको बैठाऊंगी। बाद में उसी ब्रश की हेल्प से ना इसको अपनी कट क्रीज एरिया पे इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। वॉइस ओवर करते वक्त ना मैं भूल जाती मैंने क्या बोलने क्या नहीं बोलना। खैर, यहाँ पे मैंने ले लिया था क्रायलोन का केक लाइनर, उससे मैंने यहाँ पे विंग लाइनर बनाऊंगी मैं, ठीक है। मैंने अपनी लैश लाइन के साथ रख के पहले एक लाइन ड्रॉ की थी, फिर अपने आउटर कॉर्नर से लेके आईब्रोज के एंड तक एक लाइन खींची, ठीक है। और फिर उससे लेके अपने जो लैश लाइन के साथ लाइन थी उसके साथ अटैच कर दिया था। और अब मैं वो जो बीच में गैप्स रह गए थे उसको मैं बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से अच्छे से फिल कर दूँगी। इस तरह से आप भी लाइनर लगाना, आपको भी आज का बहुत ही आसान है लाइनर लगाना, कोई मुश्किल का आप नहीं है। एक तो ट्राई की बात है बस, वो फिर आपको भी लगाना आ जाएगा। और साथ ही मैं अपने अपना इनर कॉर्नर भी बना लिया था। इनर कॉर्नर की वीडियो इसलिए मैंने कट कर दी थी क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। रिकॉर्ड हुई थी लेकिन ना मैं फ्रेम से बाहर निकल गई थी, तो फिर वो फ़ायदा नहीं था बीच में क्लिप डालने का, इसलिए मैंने उसको निकाल ही दिया बीच में से। और अब मैंने वो जो शेड लगाया था ना सिल्वर, उसके ऊपर मैं सिल्वर ग्लिटर लगा रही हूँ। ग्लिटर आप मिस रोज़ की पैलेट में से भी ले सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। और साथ ही मैंने लगा ली थी लैशेज। और अब मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे ना एक छोटे से ब्रश की हेल्प से ग्रीन शेड लेके उसको अच्छे से लगा लूँगी, और साथ ही साथ ना उसको अच्छे से ब्लेंड भी कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने ग्रीन शेड लगा लिया था। उसके बाद मैं लगा रही हूँ मस्कारा। मस्कारा लगाने के बाद ना मुझे ये लुक इतनी पसंद आई थी, इतनी पसंद आई थी कि मत पूछो। और लगाते लगाते ना मस्कारा मेरे मुँह पर लग गया, तो मैंने कहा चलो जी मुझे मेरी नज़र लग गई। खैर, उसको तो मैंने बाद में साफ़ कर लिया था। और उसके बाद अब मैं अपनी वाटर लाइन पर लगा रही हूँ वाइट काजल। वाइट काजल लगाने के बाद मेरी लुक हो गई थी कंप्लीट। मुझे ये लुक इतनी पसंद आ रही थी ना, पता नहीं आप लोगों को अच्छी लगती कि नहीं लगती, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं अपनी तारीफ़ ज़रूर करूँगी। हाँ जी, तो जी ये थी मेरी फ़ाइनल लुक। आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी, तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये लुक कैसी लगी। तो जी मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।